नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन ट्रैवलपीडिया में। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरा हर वीडियो उन तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था ओरछा किले पर बने राजमहल के बारे में, जिसकी स्थापना राजा मधुकर सिंह ने करवाई थी और जिन्होंने वर्ष 1554 से लेकर 1591 तक इस किले पर राज किया। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा वीडियो इसी किले के एक हिस्से के बारे में है, जिसका नाम है जहांगीर महल। जहांगीर महल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थान ओरछा में स्थित है। यह जगह झांसी से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राचीन नगर ओरछा बेतवा नदी के किनारे बने महलों और मंदिरों के लिए विश्व भर में मशहूर है। इस महल को हिंदू राजा वीर सिंह ने अपने खास मित्र जहांगीर के लिए वर्ष 1518 में बनवाया था, जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता था। जहांगीर महल जब बनकर तैयार हुआ तब उसका प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की तरफ था। बाद में पश्चिम दिशा की तरफ भी एक द्वार बनवा दिया गया और अब पर्यटक इसी दरवाजे से किले में आते जाते हैं। एक तरफ इस किले के पत्थरों पर बनी नक्काशी शहर की खूबसूरती बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ देश की संस्कृति का भी एहसास कराती है। ये महल बुंदेला और मुगल शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है, जो कि आयताकार चबूतरे पर बना है और इसके हर कोने पर गोलाकार गुम्बद हैं। इसकी छत पर 8 बड़े धारीदार गुम्बद हैं, जिनके बीच छोटे छोटे गुम्बद बनाए गए हैं। इस महल में
कुल 236 कमरे हैं, जिनमें की गई संगमरमर की नक्काशी देखकर आंखें चौंधिया जाती हैं। इस महल में चारों ओर कमरों से घिरा हुआ एक विशाल प्रांगण है। इसी के साथ महल के अंदर तलघर भी हैं, जहां से रास्ते जमीन के अंदर से होकर अन्य महलों के लिए जाते हैं। खुले गलियारे, पत्थरों वाली जाली का काम, जानवरों की मूर्तियाँ, बेल बूटे जैसी तमाम बुंदेला वास्तुशिल्प की विशेषताएं यहाँ पर साफ देखी जा सकती हैं। जहांगीर महल खूबसूरत सीढ़ियों और विशाल गेट के लिए प्रसिद्ध है, और वहीं ये महल बुंदेलाओं की वास्तुशिल्प का प्रमाण भी है। यह महल भारत की स्थापत्य कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। दोस्तों, ये थी ओरछा स्थित जहांगीर महल से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।